हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 दिसंबर को होने वाले स्मैकडाउन लाइव के फुल प्रीव्यू के बारे में, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। टीएलसी से पहले का लास्ट स्मैकडाउन है, तो नेक्स्ट स्मैकडाउन हमें काफ़ी एक्सट्रीम देखने को मिलेगा। चैंपियनशिप मैच कंफर्म कर दिया है। इसके अलावा केविन ओवंस बदला लेंगे रोमन रेंज से। तो गाइस, कैसा कुछ शो होने वाला, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यारे से लाइक से। और गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट स्मैकडाउन होगा FS1 नेटवर्क पर इंडिया में हमें वो सेम नेटवर्क पर ही देखने को मिलेगा। अब बात करें क्या कुछ देखने को मिलेगा, और हमेशा की तरह लेडीज फर्स्ट। गाइस, फीमेल डिवीजन की तरफ से यहाँ पर एक सिंगल्स मैच कंफर्म है, जो कि होगा बियांका ब्लेयर वर्सेस बैली के बीच में। और जैसे कि आपको पता है, WWE इन दोनों के बीच में काफी लंबे टाइम से फ्यूड दिखा रही है, पर फाइनली हमें ये दोनों सुपरस्टार देखने को मिलेंगे एक सिंगल्स मैच में। तो यहाँ पर पहले मैच में कौन किसे हराता है, किसको WWE स्ट्रॉन्ग दिखाती है, यहाँ पर बियांका ब्लेयर हरा सकती है बैली को। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलेगा एक चैंपियनशिप मैच, जो कि है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूड के बीच में। गाइस, यहाँ पर डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड को पहली चैंपियनशिप का अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। और वैसे भी आपको पता, डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड कई बार डोमिनेट कर चुके हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। तो क्या नेक्स्ट स्मैकडाउन पर ये टाइटल चेंज हो सकता है? काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमें नए टैग टीम चैंपियन देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा एक टाइटल चैलेंज, और यहाँ पर बिग ई चैलेंज कर सकते हैं सैमी जेन को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ही होगा, पिछले हफ्ते सैमी जेन ने हरा दिया था बिग ई को, पर उस मैच की फेयर एंडिंग नहीं रही थी। सैमी जेन ने हराया था काउंट आउट से। तो नेक्स्ट स्मैकडाउन पर फिर से एक बार चैलेंज कर सकते हैं बिग ई, और वो भी इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पर WWE TLC के लिए बिग ई वर्सेस सैमी जेन का मैच कंफर्म करेगी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। इसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा फीमेल डिवीजन से, और यहाँ पर कार्मेला और साशा बैंक्स का सेगमेंट होगा। और फिर से हमें कार्मेला साशा बैंक्स के बीच में ब्रॉल देखने को मिलेगी, पर इस बार WWE किसे स्ट्रॉन्ग दिखाती है। पिछली बार तो कार्मेला ने काफ़ी ब्रूटली अटैक किया था साशा बैंक्स पर, और हमें कार्मेला के साथ उनका पार्टनर भी देखने को मिलेगा। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कार्मेला को, और साशा बैंक्स क्या इस बार बदला ले पाएंगी कार्मेला से? ये सेगमेंट भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलेगा फाइनल सेगमेंट, जो कि है रोमन रेंस और केविन ओवंस का। यहाँ पर रोमन रेंस फिर से होंगे जे उसो और पोल हेमन के साथ, पर इस बार केविन ओवंस का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। पिछली बार रोमन रेंस ने केविन ओवंस की फैमिली को निशाना बनाया था, फैमिली को मैसेज सेंड किया था। तो यहाँ पर केविन ओवंस गुस्से में आएंगे और इस बार अटैक कर सकते हैं रोमन रेंस पर। और गाइस, हो सकता है इस बार केविन ओवंस अटैक करने में कामयाब भी रहे। WWE को केविन ओवंस को भी स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा, जिससे कि वो एक लेजिट अपोनेंट लगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो केविन ओवंस यहाँ पर क्या चालाकी करते हैं, क्या अटैक करने में कामयाब रहेंगे, सब हमें पता चलेगा नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। तो गाइस, ये सारे सेगमेंट और मैचेस तो हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा WWE काफी कुछ दिखाएगी TLC के लिए, और भी मैच कंफर्म होंगे स्मैकडाउन ब्रांड से। तो गाइस, नेक्स्ट स्मैकडाउन में बिल्कुल भी मिस मत करना, जो कि सिर्फ कुछ ही घंटों में स्टार्ट होने वाली है। पर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और दोस्तों, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।